क्वेश्चन है कि एक डिस्क है, फ्रिक्शन है इसमें, और डिस्क की सरफेस के ऊपर एक कॉइन पड़ा हुआ है। कॉइन, ये रहा कॉइन, ये मान लो रोटेट कर रही है विद ओमेगा, ओमेगा कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रही है। मैंने कॉइन रख दिया, ये कॉइन की दूरी एक्सिस से आर है, तो मैंने आर डिस्टेंस पे कॉइन रख दिया और कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू गिवन है, बनाते जाओ प्लीज साथ साथ, म्यू गिवन है। ठीक, अब एक चीज नोट करने वाली है कि अगर ये स्लो घूम रही है डिस्क तो कॉइन ना साथ घूमेगा, लेकिन अगर डिस्क की स्पीड तेज 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 हो गई तो कॉइन बाहर गिर सकता है। तो आपको ये बताना है कि ओमेगा क्या हो कि ये, या क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि कॉइन बाहर गिरेगा या नहीं गिरेगा ये बताओ। और कॉइन का डिस्टेंस कभी वो 4 सेंटीमीटर कहेगा, कभी वो 14 सेंटीमीटर कहेगा, कभी 15 सेंटीमीटर कहेगा, जैसे भी प्रॉब्लम देखा भी था, उसकी मर्जी की कॉइन को कहाँ रखें। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला, मेथड नंबर वन लिख लो, मेथड नंबर वन। मेथड नंबर वन में आप मुझे आंसर दें बस, आप कहाँ बैठे हैं, आप ग्राउंड पे बैठे हैं, अर्थ पे बैठे हैं, और आप अपना आंसर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही दें। आपसे ये पूछा जाएगा क्या ये कॉइन आपको घूमता हुआ दिख रहा है, हाँ या ना? दिख रहा है, अगर डिस्क घूम रही है तो एक कॉइन भी साथ साथ घूमता हुआ दिखेगा आपको। और कोई भी बॉडी अगर सर्कल में घूमती है तो उसके पास कौन सी फोर्स होनी चाहिए, सेंट्रिपेटल, जो कहां करेगी टुवर्ड्स सेंटर, सही है। कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रिपेटल, कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन, क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी ये कभी घूम नहीं पाएगा, डिस्क निकलती जाएगी, कॉइन वहीं पड़ा रहेगा। तो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही है सेंट्रिपेटल, तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी, टुवर्ड्स सेंटर, और क्या प्रोवाइड करेगी, सेंट्रिपेटल। और अगर कॉइन मूव नहीं कर रहा अपनी जगह से, फ्रिक्शन का नाम क्या है, स्टैटिक, काइनेटिक तो है ही नहीं ना, काइनेटिक तो तब आएगा जब ये स्लाइड करता हुआ बाहर जाएगा। तो ये कौन सी फ्रिक्शन है, स्टैटिक, कोई डाउट इसमें? ठीक, अब मुझे ये बताओ कि फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है इसमें सेंट्रीपिटल, ये फैसला हो गया, तो कॉइन से पूछो कि तेरे को सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी चाहिए इसके साथ सर्कल में घूमने के लिए। तो कॉइन क्या बोलेगा कि मेरे को जो सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन चाहिए उसका फॉर्मूला है आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, सही है। वो कहते हैं आप मेरा आर ले लो, आप डिस्क का ओमेगा ले लो, मल्टीप्लाई कर लो, स्क्वेयरिंग कर लो, यहां वैल्यू पुट करो, जो भी आंसर है बस मेरे को उतनी एक्सलरेशन दे दो, मेरी बात बन जाएगी। बात समझ में आती है? तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर फ्रिक्शन क्योंकि सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रही है, और फ्रिक्शन स्टैटिक तो अपनी वैल्यू चेंज भी कर सकती है, यह भी तो हो सकता है कि यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम, मैक्सिमम एफ मैक्स भी हो, है ना, इसे कम भी हो सकती है। पर जो भी होगी, मेरे को एक चीज समझ में आती है कि जो भी होगी, जो फ्रिक्शन की वैल्यू है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रिपिटल, सही बोल रहा हूं। अब अगर ये मैक्सिमम स्टैटिक हो गई तो इसका मतलब ओमेगा मैक्स हो जाएगा, नहीं तो आप डिस्क को स्लो भी घुमा सकते हो, तेज भी और तेज भी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू अगर ओमेगा अगर पूछ ले कोई कितना मैक्सिमम तेजी से घुमा सकते हो, तो उसके लिए तो एफ की वैल्यू एफ मैक्स स्टैटिक पुट करनी पड़ेगी, जिसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू टाइम्स एम जी, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, एम जी। तो ग्रेटर देन इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी यहां पर एम बी आएगा क्योंकि मैं कंपैरिजन फोर्स का फोर्स के साथ कर रहा हूं, तो मुझे ऐसे लेना पड़ेगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू एम आर ओमेगा का स्क्वायर, तो यहां पर मुझे यही लेना पड़ेगा, एम आर ओमेगा का स्क्वायर, ऐसे फोर्स फोर्स से कंपेयर होगी, एक्सलेशन एक्सलेशन। तो इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वल हो जाए या बड़ी हो जाए तो ये कॉइन अपनी जगह से हिल नहीं सकता, कॉइन किस पे पड़ा रहेगा, एट रेस्ट, और सर्कल में घूमता रहेगा। तो एम से एम कट गया, एम से एम की वैल्यू मैंने कट कर दी, क्या बचा, यहां से म्यू जी बच गया और आर ओमेगा स्क्वायर बच गया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो कॉइन डिस्क के साथ घूमेगा, और अगर नहीं हुई तो कॉइन डिस्क के साथ नहीं घूमेगा।
तो तुम न्यूमेरिकल के अंदर एक काम करना, तुम्हें म्यू देगा, तुम्हें जी 9.8 पता है, तुम्हें आर कभी 4 कभी 14 सेंटीमीटर कुछ भी देगा, और तुम्हें ओमेगा भी देगा। तुम इस कंडीशन में ही वैल्यू पुट करके देख लो, अगर तो म्यू जी की वैल्यू बड़ी है आर ओमेगा स्क्वायर से, फिर तो इसका मतलब कॉइन घूमेगा, और अगर ये बड़ी हो गई और ये छोटी रह गई तो कॉइन साथ नहीं घूमेगा। तो जैसे आज मान लो किसी न्यूमेरिकल में कॉइन की दूरी आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, और फिर कॉइन एक 14 सेंटीमीटर भी पड़ा हुआ है, तो तुम यहाँ पर ये तो वैल्यू फिक्स है, ये तो चेंज नहीं होगी, म्यू आर जी तो कॉन्स्टेंट है, तो तुम आर जितना दूर रखोगे ये वैल्यू उतनी ही बड़ी होती जाएगी, और हो सकता है 14 सेंटीमीटर पर जब कॉइन को रखा जाए हो सकता है ये बड़ी हो जाए और ये छोटी हो जाए, फिर 14 सेंटीमीटर पर कॉइन बाहर गिर जाएगा, और हो सकता है 4 सेंटीमीटर पर ये छोटी रहे और ये बड़ी हो, तो 4 सेंटीमीटर पर कॉइन घूमता रहेगा। मतलब वो डिपेंड करेगा तुम्हारा आर कितना है, पर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कॉइन साथ साथ घूमेगा, नहीं तो नहीं घूमेगा। सबको चेक करना आ गया क्या, ये पॉइंट क्लियर है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो मैक्सिमम स्टैटिक है, हाँ हाँ घूमेगा, लास्ट वैल्यू मैक्सिमम स्टैटिक ही हो सकता है, तभी तो मैंने वैल्यू पुट की, म्यू टाइम एम जी का मतलब मैक्सिमम स्टैटिक ही है, लास्ट वैल्यू ही है ये, इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू में। ये सोचने का पहला तरीका है, मतलब लोग ऐसे सोच सकते हैं, स्टूडेंट ऐसा सोच सकता है। अब एक स्टूडेंट आया, वो कहता नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता, प्रॉब्लम सेम है, प्रॉब्लम सेम है, देखो मैं कैसे सोचता हूँ। वो ये कहता है, लिखो यहाँ मेथड नंबर टू, मेथड नंबर टू, वो ये कहता है कि मान लो ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है विद ओमेगा, डिस्क रोटेट कर रही है, और ये आपका कॉइन है, ठीक, आर रेडियस पे कॉइन है, आर रेडियस पे कॉइन है। अब कोई ये कहता है कि देखो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा है, मैं, वो ये कहता है मैं अर्थ पे बैठ के आपके साथ बेंच पे बैठ के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला, मैं कहाँ सॉल्व करूँगा, मैं कॉइन के ऊपर खड़ के काम करूँगा, मैं कॉइन के ऊपर खड़ूंगा अब क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो ये लो, अब आप ये खड़ गए, इमेजिन करो इस कॉइन के ऊपर ही आप खड़े हो, ठीक। अब इससे पूछो, जब कॉइन घूम रहा था ये बंदा भी घूम रहा था, इससे पूछो क्या कॉइन घूम रहा है, कि क्या बोलेगा, नहीं घूम रहा, क्यों, क्योंकि ये कॉइन के ऊपर खड़ा होकर घूम रहा है तो इसको कैसे नजर आएगा कॉइन घूम रहा है, अर्थ घूम रही है, पर आप अर्थ के ऊपर खड़े हुए हो तो आपके हिसाब से अर्थ नहीं घूम रही, तो ये वही सिचुएशन है। लेकिन लेकिन साथ में ये भी कह रहा है कि जब मैं इसके ऊपर खड़ा था ना और जब कॉइन घूम रहा था मुझे डर लग रहा था कहीं मैं बाहर ना गिर जाऊं। मैंने कहा वो क्यों, क्योंकि उसने कहा कि डिस्क के पास तो सेंट्रीपिटल है पर मेरे पास थोड़ी ना, मेरे ऊपर तो सूडो फोर्स लग रही थी अवे फ्रॉम सेंटर, तो मेरे ऊपर एक सूडो फोर्स लग रही है एम, इसका मास है एम, या कॉइन के ऊपर सूडो फोर्स लग रही है, रादर ऐसे बोलना चाहिए, तो कहता कि कॉइन के ऊपर सूडो फोर्स लग रही है एम आर ओमेगा स्क्वायर, जो मुझे लग रहा है कि अगर ये डिस्क तेज घूमती है ओमेगा बढ़ जाता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर बढ़ जाएगा, ये कॉइन बाहर जाके गिरेगा। लेकिन ये आंसर कौन दे रहा है, सेंट्रीफ्यूगल, ये बंदा जो खड़ा है, इसको लगता है सूडो फोर्स है। फिर मैंने पूछा है कॉइन गया क्यों नहीं, इसने क्या बोला, फ्रिक्शन प्रेजेंट थी टुवर्ड्स सेंटर। तो इससे पूछा कॉइन कब नहीं जाएगा, तो इसने बोला कॉइन तब नहीं जाएगा अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सूडो फोर्स से बड़ी हो जाएगी, तो कॉइन ने साथ में जाए, ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन तो वही बनेगी। सोचने का तरीका अलग है। मेथड नंबर वन, अगर आप ग्राउंड पे बैठ के काम करते हो तो आप बोलेंगे कॉइन को क्या मिल गई, सेंट्रिपिटल, क्योंकि कॉइन तो घूम रहे हैं। लेकिन जब आप मेथड टू अप्लाई करते हैं तो आप बोलेंगे कॉइन को क्या मिल रही है, सेंट्रीफ्यूगल। आपकी मर्जी, जैसे मर्जी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर तो इसमें एग्जैक्टली सेम आना है, अगेन म्यू टाइम एम जी की वैल्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर, और इक्वेशन तो बेसिक वही बनेगी जो पहले बनी थी। तो आपकी मर्जी, आप कैसा सोचते हैं ये सारा आप पे डिपेंड करता है। पर मैंने बता दिया, अगर कोई बुक्स सेंट्रीपिटल वर्ड यूज़ करती है तो इसका मतलब वो ग्राउंड के फ्रेम में काम कर रही है, सेंट्रीफ्यूगल करती है इसका मतलब वो कॉइन के ऊपर बैठ के काम कर रही है। ये ऑथर पे डिपेंड करता है कौन किताब लिख रहा है और कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक?